हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से एक लोगो को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभार कोई चीज़ आ जाती है बनाने के लिए, और वो ज़्यादातर जो क्लाइंट होता है वो हमें जेपीजी में प्रोवाइड कराता है, तो उसे हम किस तरह से सही तरीके से ट्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल में चलते हैं और यहाँ पे एक लोगो इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये लोगो आ गया है, इसे हम जूम कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास कोरल में ट्रेस कमांड होती है, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये ट्रेस दिखाता है, बट ये जो ज़्यादा छोटी फाइल्स होती हैं इन्हें हम ट्रेस नहीं कर सकते और उससे भी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पेंसिल टूल से कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हम इसे बेजियर टूल पे चलते हैं, जो पेंसिल टूल का सेकेंड टूल होता है। बेजियर टूल पे चलते हैं हम, और बेजियर टूल पे चलने के बाद हम इससे नोड सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक नोड लगाई, दो नोड, तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ऐसे ही हमें दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। स्पेस बार दबा के दोबारा से फोन को वो करके ऐसे ही हम सभी नोड्स को लगा लेंगे इधर। ये नोड्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें ये देखना होगा कि जो लाइन ज़्यादा स्ट्रेट है वहाँ पे एक ही कम से कम जितनी नोड्स लगे उतना बढ़िया रहता है। जितनी ज़्यादा आप नोड्स लगाएंगे उतनी आपको फिर ट्रेसिंग करने में देरी लगेगी, इसलिए जो चीज़ जितनी आसानी से जितनी कम नोड्स में हो सके। हाँ, अगर कोई चीज़ है जो बिना नोड के हो ही नहीं सकती अगर, तो वहाँ नोड ज़रूर लगाइए, अदरवाइज कम से कम हमें नोड्स यूज़ करनी चाहिए। और कोई आपको अगर सीधी, जैसे यहाँ पे सीधी लाइन है, हमें सीधी लाइन ही खींचनी है, तो हम यहाँ कंट्रोल प्रेस करके बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। अब हमने ये सारे में नोट्स लगा दिए, इसे और थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम इसे शेप टूल से सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक शेप को ले लेते हैं, इसे और जूम कर लेते हैं। एक शेप को लेने के बाद अब जैसे ही हम इसके ऊपर पॉइंटर लाए हैं, इस पर कर्व की लाइन आ गई है। अब हम इस पर एक नोड लगाएंगे, इस पर सिर्फ एक क्लिक करेंगे और ऊपर ये कर्व पॉइंटर आ गया है, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इसे प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद अब ये इसमें हमारे पास दो नोड्स आ गई हैं, तो हम इससे इस लाइन को मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी हम चाहें। जैसे ये हमने कर्व दिया, अब ये वाली जो लाइन है ये अभी स्ट्रेट है, अभी इसे भी हमें कर्व करना पड़ेगा, इसे भी हम एक ही बारी में यूं कर लेंगे, और इस लाइन को भी हमें कर्व करना पड़ेगा। जहाँ की तरफ अभी आप ये पॉइंटर ले जाएंगे वो वहाँ की तरफ मूव करती जाएगी, ये हम इसे ऐसे मूव कर लेंगे। अब जैसे ये लाइन हमें बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो हम यहाँ पे ये मेक नोट स्मूथ का बटन का प्रेस करेंगे, इससे ये बिल्कुल अपने आप स्मूथ हो जाएगी। जैसे अब दूसरी तरफ चलते हैं, अब जैसे ये वाला है, हम बटन इस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये जो नोड है ये थोड़ा सा और ऊपर आनी चाहिए, और अब हम इस पे दोबारा से ये नोड प्रेस करके ये कर्व का बटन प्रेस करेंगे और इसे कर्व दे देंगे। जैसा भी जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है। दोबारा से हम कर्व लगाएंगे और फिर यहाँ से एक नोड खींच लेंगे और एक नोड ये थोड़ा सा इसे भी, क्योंकि कर्व की सेटिंग करने में आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानी आएगी, बट ये बहुत ज़रूरी होता है और कोरल ड्रॉ में इसका यूज़ बहुत ही, मतलब ये फ्रिक्वेंट यूज़ होता है इसका। कभी भी कोई चीज़ हम करते हैं तो उसमें इस चीज़ का बड़ा ही फ्रिक्वेंट यूज़ होता है। हम दोबारा से कर्व पे जाएंगे और यहाँ पे भी एक कर्व लगा लेंगे, इसको भी हम दोबारा मेक नोड को स्मूथ कर लेंगे इस टूल से, और इसे अब हम एक कर्व यहाँ लगाएंगे और दोबारा से एक नोड लगा के इसको इस तरफ से यूं कर लेंगे, और इसे जैसे हम अंदर की तरफ चाहिए तो हम इसे अंदर की तरफ
ले लेंगे। ये हमारे पास ऊपर के तीन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। जैसे ही इसे हम यूँ करेंगे, इसे भी हम सेम प्रोसीजर से कर्व करेंगे, और इस तरफ से भी थोड़ा सा हमें कर्व चाहिए, थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेते हैं, स्मूथ से अच्छी स्मूथनेस आ जाती है। अब जैसे हमें ये इसमें भी कर्व चाहिए, आप चाहें तो सब अगर आप सभी नोट्स को कर्व करना चाहते हैं तो सभी नोट्स को यूँ सेलेक्ट करके सीधे आप कर्व कर सकते हैं, उससे सारी नोट्स एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं, सारी नोट्स कर्व हो जाएंगी, जैसे हमने इसमें करा है एक साथ। और इसे थोड़ा सा मूव करके, अब ये थोड़ा सा हमें अंदर चाहिए, ये अंदर कर लेंगे, और ये इस नोड को हम इस टूल पे स्मूथ कर लेंगे। ये स्मूथ हो गई है हमारी नोड, और ये थोड़ा सा इसे ड्रैग करके ये लीजिए। अब हम चलते हैं दूसरी की तरफ, जैसे ये है, इसमें दो लाइन हमें स्ट्रेट है तो उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे। तीसरी लाइन पे एक छोटा सा कर्व लगाएंगे और फिर दोबारा से इसे, या आप माउस में स्क्रॉल करते हैं उससे भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नोड लगाएंगे एक आराम से और दोबारा से इसे ले जाएंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पे ले जाएंगे इसे, और ये ऐसे। ज़रूरी नहीं है आप हर बारी से स्मूथ ही करें, अगर आपकी सेटिंग एक ही बारी में सेट बैठ गई है तो ज़रूरी नहीं है आप उसे करें ही। और ये थोड़ा सा आप यहाँ से ट्रैक कर लीजिए, ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, इसे आप आराम से करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद अब जैसे हमारा ये कंप्लीट होने ही वाला है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि इसे करना क्यों ज़रूरी होता है। अब जैसे हमें यहाँ पे ये है, इसमें ये थोड़ा सा अंदर जा रहा है और हमें यहाँ से बाहर चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम एक और नोट ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही एक और नोट आ गई। अब हम इसे ही यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और फिर हम ये मूव कर सकते हैं नोट को, यहाँ से ये दोबारा मूव कर सकते हैं, ये ऐसे। लास्ट वाला ले लेते हैं, अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसे नोड को यहाँ ले जाएंगे और ये यूँ करेंगे, ये वाली लाइन हमारी मूव हो गई है, यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाके इसे भी इसी तरह से सेट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इससे क्वालिटी बहुत ज़्यादा उसकी इम्प्रूव हो जाती है। अब जैसे ही हम इस लोगो को प्रिंटिंग पे डालेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी ये जो आपकी लाइंस आ रही हैं ऐसी, ये सारी लाइंस जो धुंधली हो रही हैं और यहाँ से ख़त्म हो रही है, इसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे रिज़ल्ट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, रिज़ल्ट इसका बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये नोड एक्स्ट्रा है, नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमें चाहिए होगी। तो अब हम इसे यहाँ से भी कर्व कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा इसे स्मूथ भी कर सकते हैं, स्मूथ हो गया वो, इसे भी हम कर्व कर लेंगे ऊपर से ले जाके, और दोबारा से इसे यूं कर्व कर लेंगे। अब हमारा ये कंप्लीट होने ही वाला है, यहाँ पे भी हमें एक और नोड की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर डबल क्लिक करके एक और नोड लगा लेंगे और फिर इसे सेट कर देंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही एक नोड लगाएंगे और इसे कर्व कर लेंगे, नीचे वाले पॉइंटर से इसे दोबारा से नीचे की तरफ खींच लेंगे ऐसे। अब हमारा ये लास्ट रह गया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक डॉट लगाएंगे, इसे कर्व कर लेंगे ये ऐसे, और यहाँ पे एक कर्व करेंगे दोबारा से इसे नीचे की तरफ करेंगे, और इस वाले को एक और नोड लगाएंगे हम कर्व की, और इसे ऊपर बीच में से हम इसे स्मूथ कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अभी आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये क्लिक करेंगे, ये जो हमारी इमेज है इस पर हमने सेलेक्ट कर लिया इमेज को, और इसे साइड में रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये आउटलाइन पूरी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे,
या सेव आप करना चाहें तो फाइल में सेव पे क्लिक करके कर सकते हैं, कंट्रोल एस इसकी शॉर्ट कमांड होती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें इन सारे पार्ट में एक ही कलर चाहिए तो हम या तो पिकर से टूल सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास पिकर टूल होता है, ये हमारे पास पिकर टूल होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर चाहिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इसी में दूसरे टूल पे जाके पेंट बकेट में जाके इसे हम फिल कर देंगे। और सेम चाहिए आपको कलर तो आप सेम आपको जैसे कलर चाहिए तो आप कोई से भी कलर सेलेक्ट करके उसे कंट्रोल आर कर सकते हैं। कंट्रोल आर का मतलब रिपीट होता है, इसमें हम रिपीट कर देते हैं। इसका एक और तरीका भी है, दूसरे को हम सभी पत्तियों को जिसमें हमें एक कलर चाहिए हम उन्हें अरेंज में जाके कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद ये सारी पत्तियां जुड़ जाती हैं, एक ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। और अब हम जैसे ही आई ड्रॉपर से इसमें कलर फिल करेंगे तो इसमें हमने यहाँ कलर पिक कर लिया है और दोबारा हम जाके पेंट बकेट पे जाएंगे तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर सारा एक ही कलर इफेक्ट आ जाएगा। और अब हम इसे सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कोने में ले जाके इस पर राइट क्लिक करेंगे जिससे इसकी आउटलाइन नील हो जाए। अब हमारे पास ये लोगो बिल्कुल तैयार हो गया है और अब आप इसमें देख सकते हैं कि इन दोनों लोगोज में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी शार्पनेस है और ये कैसा ख़राब आ रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।